अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है शाओमी रेडमी नोट 3। और आज मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि शाओमी रेडमी नोट 3 का कैमरा कैसे इम्प्रूव करें, खासकर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे फुल एचडी मोड में मेन कैमरा ऐप से, तो आप देखेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग जूम करने पर काफ़ी फट जाती है और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह मैं फुल एचडी में मोड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो ये पत्ते हैं ये कितने फट गए हैं, एकदम ब्लर्ड टाइप के लग रहे हैं जूम करने पे। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना है तो आपको फुल एचडी मोड में नहीं 4K मोड में रिकॉर्डिंग करना होगा, और 4K मोड रिकॉर्डिंग MIUI का कैमरा ऐप में उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा स्नैप कैमरा ऐप। आइए जल्दी से देखते हैं 4K रिकॉर्डिंग का सैम्पल। अब मैं दोस्तों 4K रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह शाओमी रेडमी नोट 3 4K रिकॉर्डिंग में वीडियो क्वालिटी कैसी देती है। तो देखिए, जब मैं जूम करता हूं पत्तों के पास तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले 1080p में फुल एचडी में काफ़ी वीडियो फट जाती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि 4K रिकॉर्डिंग में ये क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4K रिकॉर्डिंग ही यूज़ करें जब तक कि फुल एचडी क्वालिटी की कोई अपडेट नहीं आती है कि उसका क्वालिटी अच्छा हो जाए। और दोस्तों, 4K रिकॉर्डिंग करने का उपाय ये है कि आप स्नैप कैमरा ऐप लोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और उसमें 4K सेटिंग वीडियो सेटिंग में जाके 4K पे सेट कर दें, और वीडियो बिट रेट को 64 Mbps पे रखें और फ्रेम रेट को 60 पे रखें, तो ज़रूर हमारा यह वीडियो रिकॉर्डिंग इतना अच्छा आ पाएगा जैसा आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आपको मैं 4K रिकॉर्डिंग का सैंपल दिखाना चाहता था जो काफ़ी बेहतर रिकॉर्डिंग कर सकती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।